अगर राम को ये मालूम ना होता कि रावण के प्राण उसकी नाभि में हैं, तो शायद भगवान राम कभी रावण का वध नहीं कर पाते। एनटीए ने नीट का सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि उस सिलेबस में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आप सिर्फ थोड़े एफर्ट के साथ में बेहतरीन आउटपुट पा सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप बायोलॉजी और फिजिक्स के वीडियोस देख चुके हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद में और काफ़ी सारे कमेंट के बाद में आज हम लोग आपके सामने केमिस्ट्री के भी वो टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनमें आप कम एफर्ट के साथ में बेटर आउटपुट ले सकते हैं। साथ में ऐसे टॉपिक्स भी लेकर आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी आपको आउटपुट बहुत कम मिलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस टॉपिक के लिए हम ये कह रहे हैं कि हाई वेटेज टॉपिक है, आपको उसी टॉपिक के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है और अपना टाइम उसी टॉपिक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, स्टूडेंट ये जस्टिफाई करने के लिए कि मैं सारे चैप्टर्स जानता हूँ, मैं सारे टॉपिक्स जानता हूँ, वो उन टॉपिक्स को पढ़ता रहता है जो एनटीए की तरफ से या नीट में बहुत कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आप समझिए, इस वीडियो को सिर्फ देखिए ही मत, इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेन ही मत करिए, इस वीडियो को यूटिलाइज भी कीजिए। यही हमारा मकसद है कि आप कम मेहनत के साथ में, आप स्मार्ट सोच के साथ में, स्मार्ट हार्डवर्क के साथ में, स्मार्ट वर्क के साथ में अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएँ, ऐसा हमारा मानना है। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट करिए। जब भी आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठें, वीडियो को पूरा नोट करिए और नोट करने के बाद में इस वीडियो को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं उन टॉपिक्स के बारे में, या सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हाई वेटेज हैं, मतलब जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको एफर्ट बहुत कम लगाना है, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो हाई वेटेज है लेकिन लो इनपुट है। तो सबसे पहला टॉपिक उनमें आता है फिजिकल केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एकमात्र टॉपिक है जो लो इनपुट और हाई वेटेज टॉपिक्स में जगह बना पाया है, बाकी सारे टॉपिक्स दूसरी कैटेगरी में रखे गए। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद में 12वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है एल्किल और एरिल हैलाइड्स। 12वीं क्लास में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गए हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स एंड एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स। अब बात करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स की जिनमें एफर्ट बहुत कम लगाना है लेकिन वेटेज या मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि केमिकल बॉन्डिंग से नीट में 4 क्वेश्चन आते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उससे भी बहुत बार नीट में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। जितनी भी बार केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आए हैं तो नेक्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि केमिकल बॉन्डिंग से 2। तो दूसरा अपने पास में टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टॉपिक की अहमियत उतनी है जितनी की केमिकल बॉन्डिंग की है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं तो कोऑर्डिनेशन से 2 आते हैं, और जब केमिकल बॉन्डिंग से 2 आते हैं तो कोऑर्डिनेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों। और उसके बाद में फाइनली अपने पास में है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये सारे वो टॉपिक्स थे जिनमें आपको एफर्ट बहुत कम करना है लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे जबरदस्त, जोरदार, शानदार। अब बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हाई वेटेज हैं लेकिन आपसे भी हाई एफर्ट की डिमांड करते हैं, मतलब हाई वेटेज टॉपिक विद हाई इनपुट। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों में ही एक साथ कंसिडर किया गया है। बहुत एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन इस चैप्टर को समझने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाती है। दूसरा टॉपिक हमारे पास में एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये टॉपिक GOC जितना ही इम्पॉर्टेंट है, आप ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है इक्विलिब्रियम, उसमें आयनिक भी है और केमिकल भी है, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, कभी 1 से 2 या फिर 2 के आसपास इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में थर्मोडायनामिक्स, जो 11वीं क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद में आता है केमिकल काइनेटिक्स, देन वी हैव मोल कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्यूशन, और फाइनली वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि सारे वो टॉपिक हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को डिफाइन करने वाले हैं।
और बेसिक्स में हमेशा हमेशा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। मतलब हाई वेटेज और हाई इनपुट वाले टॉपिक वो हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बाकी सारे चैप्टर्स के साथ में भी कनेक्टेड है। अब बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी की। इसमें वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको एफर्ट कम लगाना है और एफर्ट कम लगाने के साथ आपको आउटपुट भी मिलता है कम। तो सबसे पहले हमारे पास में है 12वीं क्लास का सरफेस केमिस्ट्री, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, देन वी हैव बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, देन वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देन वी हैव एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वी हैव पीरियोडिक टेबल एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चन मन बोल सकते हैं काफ़ी सिंपल आते हैं और क्वेश्चंस का नंबर भी ज़्यादा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि एक टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आया नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर आया, फिर उसके बाद स्किप करते हुए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है लो इनपुट लो वेटेज। और फाइनली आपके पास में वो टॉपिक जिनमें आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट के मुताबिक वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। तो ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हमेशा हमेशा पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में किस सेक्टर में एफर्ट लगाना है ताकि आपको बेहतरीन आउटपुट मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक जिनमें अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो वो आउटपुट नहीं देंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट हमारे पास में क्वालिटेटिव एनालिसिस, देन वी हैव डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देन वी हैव मेटलर्जी एंड फाइनली वी हैव ए टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज सॉलिड स्टेट। तो ये हमारे पास में चार कैटेगरी के टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने बात की है कि किस तरीके से आपको अपना एफर्ट, अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन और अपनी मेहनत को डिवाइड और डाइवर्ट करना है।